तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। दोस्तों, पहले के इलेक्शन में भाषण दिया जाता था, वादा किया जाता था, काम किया जाता था, और 2014 में इसमें एक और शब्द ऐड हुआ, जुमला मारना। लेकिन अब गाली गलौज, इज्जत उछालना भी इसमें ऐड हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को आप जानते ही होंगे, नाम बदलने वाला सच्चा हिंदू, यानी कि योगी आदित्यनाथ। ये राहुल गांधी को मंदिर में बैठने का तरीका सिखा रहे हैं। इन्हें दूसरों को कुछ कहने से पहले देश के सबसे बड़े नेता और इनके प्रभु महाराज को ये बात सिखानी चाहिए कि ये मंदिर में घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हैं। दोस्तों, मंदिर में बैठने का तरीका आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन मोदी जी को भी सिखाना पड़ेगा, और उन्हें सिखाएगा कौन? वो है योगी आदित्यनाथ। वैसे भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेसी नेताओं को सीरियसली मत लो, लेकिन ये खुद उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये राहुल गांधी को जो बैठने का तरीका सिखा रहे हैं, सबसे पहले ये मोदी जी को भी सिखाएं। इनको देखिए किस तरीके से ये घुटनों के बल मंदिर में बैठे हुए हैं। कौन बैठता है ऐसे घुटनों के बल मंदिर में? दोस्तों, आज के समय में खाना, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क देश के लिए मेन मुद्दा नहीं रह गया है। आज के समय में बस गोमूत्र, मंदिर बनाना, नाम बदलो, ये सब मेन मुद्दे में आते हैं। इसी पर दोस्तों मैं एक चौपाई सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हे लक्ष्मण, इलेक्शन बीत गई, अब भाजपा सरकार आई है, मैं बड़ा अभागा हूं भाई, घर नहीं अभी तक पाई है। मैं बड़ा अभागा हूं भाई, घर नहीं अभी तक पाई है। आप दोस्तों समझ सकते हो ये किसके बोल होंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, काम नहीं कारनामे बोलते हैं।